नमस्ते व्यूवर्स वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए एंड जयपुर डायलॉग एंड टूडेज कॉन्वर्सेशन हम आज जिस बात की चर्चा करेंगे वो है मैं कह रहा हूँ राहुल सोरोज एंड अदानी सो हम जैसा जानते हैं कि भारत पे तो प्रहार हो ही रहा है और जिस तरह से न्यूज की ट्रैवलिंग होती है आजकल न्यूज ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइटनिंग सो इट सीम्स सो आजकल कुछ छुपा नहीं रहता है तो ये जो है नया जो एक सिलसिला चालू हुआ है बाय यू नो के एक ऑर्गेनाइजेशन है सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओ वो पहुंच गए हैं इंडिया टू टू अटैक इंडियन फैमिली बिजनेस कि वो कितने करप्ट और ये बात रह, याद रखिएगा ये सोरोस का काम है राहुल गांधी तो एक प्यादा है साहब प्यादा मतलब तो कि पौन जिसकी ख्वाहिश है कि वो चलते 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 कभी राजा बन जाए शायद ऐसा मोहरा खेल हो जाए शायद तो राहुल गांधी तो आप सब जानते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए जो भी कहे वही कम है लेकिन इस प्यादे ने अपना मुंह खोल दिया अब वो कहा स्टैंड करते हैं इन मामलों में इस बात को हम और आप सब जानते हैं उद्देश्य तो सिर्फ एक है भारत को हिलाना भारत को पंग करना 2020 में आफ्टर यूएस इलेक्शन मैंने कहा था कि ये जो चौकड़ी है ये जो चांडाल चौकड़ी है जो भारत के विरुद्ध है मोदी के विरुद्ध है हिंदुत्व के विरुद्ध है उनका ये कारवां जो है भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए 2024 इलेक्शन में चलेगा आगे और उनके तीन मुद्दे हैं आप इस बात को ध्यान रखिएगा मैंने 2020 -20 में कहा था ये उनके तीन मुद्दे हैं किसी भी तरह से मोदी को हटाओ किसी भी तरह से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाओ और उसके तीन सिलसिले हैं उसके सिलसिले ये हैं कि एक तो है कि वो हिंदू पार्टी मोदी जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ है और माइनॉरिटीज में जो कहते हैं सिर्फ मुस्लिम नहीं सिख नहीं बट सबके खिलाफ है तो ये जो एक, एक उन्होंने पान का बीड़ा बनाया हुआ है कि मोदी पर प्रहार किया जाए कि ही इज एंटी माइनॉरिटी लेकिन उनको दुख इस बात का हो रहा है कि आज की तारीख में मोदी जी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है माइनॉरिटीज के लिए किया है हिंदू ही कह रहे हैं कि इससे ज्यादा काम तो किसी ने और किया भी नहीं था <laughs> इस बात को याद रखिएगा कि आज हिंदू भी मोदी जी से नाराज हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत किया है माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ काम किया है उसका एक फायदा हुआ है कि दुनिया भर के छप्पन मुसलमान कंट्री आज ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी हैज बीन थिंक अबाउट इट अ वंडरफुल पॉलिटिकल अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी की पॉलिसी एंटी माइनॉरिटी है वहां की उनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि हिंदू ही नाराज हो गए हैं मोदी से बहुत से लोग उसे मौलाना मोदी भी कहने लगे लेकिन सच्चाई कुछ और है इस बात को मानना पड़ेगा कि राजनीति के खेल में इस बात को मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी को आर्थिक सामाजिक धार्मिक हर एक चीज की का परिवर्तन करना है जिस तरह से 60 साल प्लस में कांग्रेस पार्टी और उनके महागठबंधन के लोगों ने जिस तरह से एंटी हिंदू काम किए हैं यह सारे हिंदुओं को देखना पड़ेगा सिर्फ नाराज मत होइए मोदी से इस बात को देखना पड़ेगा कि उन्होंने उन लोगों ने क्या-क्या नहीं किया कानून बनाए 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप जानते हैं जिसमें कि हिंदुओं पे प्रहार हिंदुओं पे अंकुश लग गया बहुत बहुत कुछ नहीं करने का लेकिन माइनॉरिटीज को सारे हक दिए गए करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं हम इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड के नाम से सारा सारा हिंदुस्तान को बेच दिया शुरू के पांच एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे ये आप जानते हैं उनका नाम लेंगे तो हमें लोग कहेंगे हम फोबिया में हैं लेकिन वो तो सच्चाई है भाई जिन्होंने हिंदू हिस्ट्री बदल दी तीसरा था कि अगर जो भी आर्थिक परिवर्तन मोदी जी करना चाहेंगे जिसको देश की जरूरत है बहुत ही जरूरत है उसमें कोई ना कोई ग्रुप तो अन, अनहैप्पी होगा क्योंकि कोई भी परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी हर आदमी को इक्वली फायदा नहीं पहुंचाता कोई ना कोई नाखुश होता है तो उसको ये लोग टर्म करेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तीसरा मुद्दा है मार्जिनलाइज कम्युनिटी मोदी डयर फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी डयर फॉर एनी बॉडी एंड उस पर प्रहार होगा और तीसरा होगा कि यह सारा का सारा जो मुद्दा है यह हिंदुत्व प्रमोट करने के लिए हो रहा है तो आप इस बात को समझने लगे ना कि माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज कम्युनिटी और हिंदुत्व इन तीन चीजों पर मोदी पे और इंडिया पे और हिंदुओं पर प्रहार होगा ये जो सिलसिला है करप्शन वाली जो बात हुई है ये जो है चोला है इसको कहते हैं ना कि चोला पहन करके धोखा देने वाली बात है यस yes, बिजनेस में इनकनसिस्टेंसीज होती हैं बहुत जगह अमेरिका में ही है साहब हमारे देश में भी है अमेरिका में तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ भी बहुत सारी गलतियां होती हैं तो क्या उसको एंटी पीपुल कह देंगे कह, कह दिया जाएगा क्या इसे एंटी स्पेसिफिक कम्युनिटी कह दिया जाएगा तो इस बात को समझने के, के समझने का प्रयास करिए इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि जॉर्ज सोरस राहुल गांधी मिले हुए हैं और ये जो मिले हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुलेआम हो गया क्योंकि राहुल गांधी खुद ही उसके रिपोर्ट्स को लेकर के कोर्ट करते हैं यहां तक कि भाषण दिया उन्होंने मोदी जी को बोला कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए टू तो डिस्कस डिस्कस वॉट फॉल्स एलिगेशन

यही चीज जो है ये सारे के सारे जो ठगबंधन वाले हैं इस बात को जानते हैं कि प्रूफ करो देखिए लल्लू यादव अभी तक कैसे आराम से जी रहे हैं देश राज्य चला रहे हैं बिहार का बैक पीछे छुप करके तो ये जो मोहम्मद कसाप को देखिए छब्बीस से ग्यारह वाली जो इंसिडेंट थी जिसमें उसको तीन साल लगा प्रूफ करने में दिस इज वेयर द क्रिमिनल्स टेक एडवांटेज ऑफ द रूल ऑफ लॉ सो जॉर्ज सोरोस ने बयान दिया था एक डेढ़ साल पहले पब्लिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि ही इज ओन मनी टू डिस्टेबलाइज मोदी एंड रिमूव मोदी एंड ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक इन द कंट्री समझिए इस बात को और उनके बहुत सारे सलाहकार हैं उनके बहुत सारी एन हैं जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं तो इस बात को जो है हम आपको समझना पड़ेगा हम आप पे व्यक्तिगत प्रहार भी होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझ पर प्रहार किया जा रहा है कि हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से जी रहे हैं सोचिए जरा है इस बात को कली की बात है मुझ पे प्रहार किया गया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेरोल में हूँ इसलिए मैं अदानी के बारे में बात नहीं करता तो भाई लोग डरिएगा नहीं इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमें जो है व्यक्तिगत प्रहार से बचना है और उसका हमें विरोध भी करना है जो चोर उचक्के होते हैं उनको कोई शर्म नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग जो है ना हम लोग कभी कभी हम वो एक एक मन में आता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट पार्ट अदानी साहब अगर आपको ये खबर मिले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने बिलियन डॉलर असाइड करिए एंड आई थिंक द इंडियन बिजनेसेस चाहिए कि वो भी अपना बिलियन डॉलर सेट असाइड करें देश को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए क्योंकि इनका काम है गोली मार दी चोट लगी आप अपना खून आपका खून बहता है उनको कुछ नहीं होता इसलिए हमें भी इस तरह से तत्पर और तैयार होना पड़ेगा अगर वो तैयार हम ना हुए तो ये जो है फालतू के राहुल गांधी आए मुझे तो उनसे शर्म आती है कि वो कैसा इंसान है उसको कुछ शर्म ही नहीं है कि वो दूसरों के बह, बहकावे में आके वो प्यादा राजा बनने की ख्वाहिश रखता है चेस के बोर्ड पे है ना कभी कभी प्यादा अगर अंत तक पहुंच जाए तो वो राजा आपको कुछ भी बना सकते हैं तो ये वही प्यादा है इसको मेनुपुलेट किया जा रहा है और ये मैनुपुलेट हो रहा है जान बूझ करके बेवकूफी से नहीं इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी को पप्पू मत समझिए तो जो भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है उसमें अपना फायदा है उसको वो प्रिंस ऑफ वायनाड वो किंग ऑफ वायनाड बनना चाहता है तो इस बात को ख्याल रखिएगा ये सारे के सारे जो हैं अटैक होंगे हमें उसका विरोध करना पड़ेगा जानते हुए बिल्कुल इस बात को मान के आगे बढ़ना है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एज वी गो फॉरवर्ड We look forward to your support for our annual event coming in Jaipur in November 4th and 5th. Please like, share, and support our channel. Satyamev Jayate Daniwar.